हो माँ यार, माँ तो माँ होती है ना। और मेरी माँ भी किचन में बैठ के रोटियां बना रही है। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा था। ओ बेटा है बेटा, ये कौन बोला बे? तेरी माँ, कौन बोल रहा है बे? ये माँ? तेरी अबे मेरी माँ माँ, तो उधर किचन में बैठ के रोटी बना रही मैं है। धरती माँ बोल रही हूँ, धरती माँ। है धरती माँ? हाँ, मेरे को तेरी धरती याद आ माँ रही है, मेरे पास आ जा क्या बोली? बेटा। क्या मेरी याद आ रही है? हाँ तो मैं क्या करूं? हाँ बेटा, आ जाना मेरे पास, मेरे को तेरी तेरे बहुत पास आ याद आ रही। जाऊं? हाँ मुन्ने, आ ओ जाना, भाई मेरी एक ही माँ ठीक है, मेरे को और मानी चाहिए प्लीज। आ जाना है बेटा, आ अच्छा जा, तू तेरे को रितिका तो धरती बोल माँ कहाँ से बुला रही है रही पहले है, ये तो धरती बता मेरे माँ, को। दीवार में है धरती के दीवार में से? अंदर। है तो तेरे अंदर में दीवार में आ जाऊं? हाँ बेटा, अबे हाँ तू आ जा। धरती माए के धरती आत्मा है? नहीं मेरे को नहीं आना भाई, तू जा तू दे, दे, नहीं हाँ मेरे को नहीं बेटा, याद आ आ रही जा, तेरी, एक मैं मेरी बार माँ के आ पास जा, जा आ रहा जा, हूँ। ए, नहीं एक नहीं नहीं बार मेरे आ को, जा, मेरे आ को जा, नहीं ए, आना आ भाई, जा मेरे को बेटा, वीडियो भी नहीं बन। अबे इसको बंद करिए, मेरे को लेके जाएगी तब बंद करेगा, बंद कर इसको। हो भाई 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 भाई, जब ये सॉन्ग स्टार्ट होता है उससे पहले हमको गूज़बम्प्स आ जाते हैं, बिकॉज उससे पहले जो चीज़ हमारे साथ होती है ना वो सीधे के सीधे दिल पे टच करती है। वो है रवि बासुर सर का म्यूजिक, वो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ब्यूटीफुल है, इतना दिल पे टच कर जाता है यार। क्या मैजिकल, वो यार क्या मैजिकल म्यूजिक दिया है यार रवि बासुर सर के, हाथ चेक करने पड़ेंगे भाई, क्या जादू है। प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक यार आप KGF चैप्टर 1 के निकाल के देखो, आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं। सबसे खास बात पता है, देखो इसके लिरिक्स तो ओके ओके लगे मेरे को, ठीक ठाक ही थे, बट सबसे जबरदस्त ये म्यूजिक, म्यूजिक इतना पावरफुल है मैं आपको क्या बताऊं। एंड उसके बाद जब ये गाना खत्म होने से पहले जो KGF चैप्टर 1 का जो एक म्यूजिक आता है ना, वो जो उनकी माँ के साथ जो बहुत फेमस है ना, रंडा री रा रे तारी रा रो, ये वाला जो म्यूजिक इट्स अ माइंड ब्लोइंग यार, सीधा हट पे टच करता है यार। एंड यार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, इस ये जो मूवी है यार, इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक होंगे ना यार, कसम से बोल रहा हूँ, मतलब यार एकदम फाड़ देंगे। बिकॉज KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था रवि बासुर सर, उनके हाथ में तो एक अलग ही जादू है यार। एंड भाई देखो इसके जो लिरिक्स थे मेरे को ठीक ठाक लगे, फिर भी यार मैं सीरियसली, मेरे को ठीक ठाक इसलिए लगे बिकॉज यार मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा था, बिकॉज KGF चैप्टर 1 का जो मदर सॉन्ग है उसको ये सॉन्ग कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाया, ये मेरे को बोलना पड़ेगा। बट यार फिर भी रवि बासुर सर का वो पावरफुल म्यूजिक मतलब KGF चैप्टर 1 से 10 गुना ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है, मतलब एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही फील यार, मतलब एकदम मजा गया, एकदम मजेदार। एंड भाई ये जो KGF के मेकर्स ने जो चीज की है रिलीज होने से पहले, सीधा इमोशनल अत्याचार, एकदम मजा आ गया भाई, ये सॉन्ग सुन के एकदम फील आ गया, खास करके वो म्यूजिक जो फील किया है ना मैंने यार, प्लीज यार इसको है ना कान में डट्टे डाल के इसके म्यूजिक को फील करो आप लोग, कसम से यार गूज़बम्प्स आ जाएगा। क्या म्यूजिक यार, ये म्यूजिक इन थिएटर और जब बजेगा यार बिग स्क्रीन के अंदर मूवी के साथ, एक अलग ही मजा होगा। अच्छा इस सॉन्ग के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, अब इस सॉन्ग को अगर ध्यान से देखते हो तो भाई ये प्रॉपर मदर सॉन्ग नहीं है, इसमें कुछ कुछ लाइंस ऐसी हुई जो कि रॉकी भाई के लिए दी गई है, तो इस वजह से ये हमको थोड़ा सा मतलब अटैच नहीं कर पाए, हम इसको मदर सॉन्ग की टाइप देख रहे हैं, बट ये एक्चुअली पूरा के पूरा मदर सॉन्ग नहीं है, इसमें कुछ कुछ जो लाइन्स है वो रॉकी भाई के लिए भी लिखी है, आई थिंक उनकी मम्मी ने, तो भाई ये थोड़ा सा अलग देखने वाली बात रहेगी। बट जब ये मूवी आएगी, मूवी चलेगी इन थिएटर, तब ये जब म्यूजिक चलेगा, तब ये जो सॉन्ग चलेगा ना, तो एक अलग ही फील आएगा। तो एक लिरिकल सॉन्ग से हम नहीं बोल सकते कि नहीं बोल सकते थे कि भाई मतलब थोड़ा सा ओके ओके, बट फिर भी अच्छा ही है, थोड़ा उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट एक लिरिकल सॉन्ग है, जब ये बजेगा इन थिएटर तब अलग ही मजा आएगा। अभी आपको एग्जांपल चाहिए तो RRR का एग्जांपल हो, RRR में एक सॉन्ग है नाचो नाचो सॉन्ग, सुनने में जबरदस्त लग रहा था, बट जब इसका बिल्डअप हुआ मूवी के अंदर तब वो सॉन्ग ने एक अलग ही गूज़बम्प्स दिया था, है ना, मतलब लिरिकल सॉन्ग से कुछ ज्यादा ही। इसी तरह से भाई लिरिकल सॉन्ग से हम अंदाजा नहीं लगा सकते ठीक है या अच्छा है, बट फिर भी यार मजेदार था, देखने का मजा आया, बट उससे ज्यादा मजा आया सुनने का रवि बासुर सर के म्यूजिक का। तो आप लोग बताओ यार कितना इंप्रेस हुआ उनके म्यूजिक से, कसम से एकदम फाड़ दिया यार। रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।